रवीना टंडन ने फिल्मों में रेप सीन्स देने के लिए रखी एक शर्त। रवीना टंडन का मानना है कि एक महिला ही दूसरी महिला की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। वही एक दूसरे की बॉडी शेमिंग करती है और नीचा दिखाती है। एक रोसेंट इंटरव्यू में रवीना टंडन ने अपने इंडस्ट्री के अनुभव साझा किए। रवीना ने बताया कि जब उन्होंने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनने से मना किया तो लोग उन्हें एरोगेट कहने लगे। रेप सीन्स के लिए भी रवीना टंडन ने एक शर्त रखी थी कि उनके कपड़े अस्त व्यस्त नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि वह पहली एक्ट्रेस थी जिसने ऐसी पॉलिसी बनाई। रवीना टंडन ने बॉलीवुड में बॉडी शेमिंग के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि मेल एक्टर्स जो भी बोल देते थे वहाँ आखिरी होता था। रवीना बोलती है कि महिलाएं ही उस वक्त महिला की सबसे बड़ी दुश्मन होती थी। वे उन्हें नीचा दिखाने के लिए बॉडी शेमिंग करती थी, चरित्र पर उंगली उठाती थी। वह 90 के दशक की पत्रकारिता से भी त्रस्त थी। रवीना टंडन ने बताया, मैं कई चीजों से अनकंफर्टेबल रहती थी, जैसे डांस स्टेप्स। अगर मैं किसी भी चीज से अनकंफर्टेबल होती तो बोल देती कि सुनिए, मैं स्टेप नहीं करूंगी, मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं पहनना चाहती थी, मैं किसिंग सीन्स नहीं करना चाहती थी, इसलिए मेरे फंडे थे। मैं अकेली एक्ट्रेस थी जिसके साथ कुछ रेप सीन्स हुए, लेकिन ड्रेस नहीं फटी थी। मेरा ड्रेस फटेगा नहीं, तुम कर लो रेप सीन अगर करना है। रवीना बताती है, पहले डर मेरे पास आई थी, हालांकि यह वल्गर नहीं थी, लेकिन पहले डर में कुछ सीन्स थे जिनसे मैं सहज नहीं थी। मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं पहनती थी, मैं न कह देती थी कि मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं पहनूंगी। यहाँ तक कि प्रेम कैदी, जिससे लोलो करिश्मा कपूर लॉन्च हुई थी, पहले मुझे ही ऑफर की गई थी, लेकिन उसमें एक सीन था जिसमें होरो उसका जिपअप बंद करता है और स्ट्रैप दिखाई दे रही होती है। मैं उसमें कंफर्टेबल नहीं थी। रवीना टंडन की आखिरी फिल्म KGF चैप्टर 2 थी। इसके बाद वह संजय दत्त के साथ घुड़चड़ी में दिखाई देंगी। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि संजय दत्त हमेशा उनके क्रश रहे हैं। उनकी वेब सीरीज अरण्यक का दूसरा पार्ट भी आने वाला है। इसमें रवीना टंडन के साथ अरबाज खान होंगे।